हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। आप यह तथ्य जानते ही होंगे कि सुंदर कैलाश पर्वत जो तिब्बत में है, वहाँ कोई पर्वतारोही आज तक चढ़ाई नहीं कर पाया। यह सिर्फ कहानियों में सुना गया है कि रहस्यमयी तिब्बतियन योद्धा और कवि मिलरेपाई इकलौते ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी पर विजय प्राप्त की है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्वत की चढ़ाई इतनी दुर्गम क्यों है? क्या है यह शारीरिक दुर्बलता है या इस पर्वत की ऊंचाई? क्या ऐसा कोई रहस्य जिसको इंसान समझ नहीं सकता? इस वीडियो में हमने कुछ तथ्य बताए हैं जिनके द्वारा इस रहस्य को समझाने की कोशिश की गई है। माउंट एवरेस्ट जो कि 1848 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी चोटी तक 4000 लोग पहुंच चुके हैं, जबकि कैलाश की 6638 मीटर की ऊंचाई आज तक कोई तय नहीं कर पाया। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार कैलाश एक बहुत पवित्र स्थान है। यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का स्थान है, इसलिए कोई जीवित व्यक्ति वहाँ पहुँच नहीं सकता। प्राचीन तिब्बत कहानियों के अनुसार भी ऐसा स्थान पर जहाँ बादलों के बीच भगवान का निवास है, वहाँ किसी इंसान का जाना असंभव है। मानसरोवर और रक्षताल झील। मानसरोवर झील और रक्षताल झील कैलाश पर्वत की घाटी में स्थित है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 14,950 फीट है। मानसरोवर झील दुनिया की सबसे ऊंची साफ पानी की झील है, जबकि रक्षताल एक खारे पानी की झील है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है, जबकि रक्षताल झील चंद्राकार है। रक्षताल झील का व्यवहार हमेशा उथल पुथल वाला होता है, जबकि किसी भी मौसम में मानसरोवर झील हमेशा शांत रहती है। ये दोनों झील एक दूसरे के बहुत करीब हैं। यह मान्यता है कि रक्षताल झील के किनारे रावण ने भगवान शिव की आराधना की थी। पर्वतारोहियों के अनुभव। कर्नल विल्सन जो कि एक पर्वतारोही है, अपने कैलाश पर्वत की चढ़ाई के प्रयास के अनुभव को बताते हुए कहती हैं, जैसे ही मैंने पर्वत की चोटी पर पहुंचने का आसान रास्ता ढूंढा, अचानक भारी बर्फबारी होने लगी जिसने चढ़ाई को असंभव बना दिया। कैलाश पर्वत की चढ़ाई की कोशिश का एक और अनुभव आपको आश्चर्यचकित कर देगा। एक रूसी पर्वतारोही सरगई तिस्तियाकोव ने अपना अनुभव लिखा है कि जब वह पर्वत की घाटी में पहुंचा, तब उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि वह उसे इस पवित्र पर्वत पर नहीं होना चाहिए और तुरंत वापस चले जाना चाहिए। जैसे ही वह वापस जाने को हुआ, उसे पुनः सब कुछ ठीक लगने लगा।